नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल माया क्रिएशंस। जो हमने आपको कॉलर कटिंग का वीडियो मेरे चैनल में आप देख सकते हैं, मैंने दिखाया था, हम उसी को यहाँ पे सिलने जा रहे हैं। तो पहले हम अस्तर और कपड़े को अटैच कर लेंगे। हम पहले अस्तर में यहाँ एक सीधे तरफ से सिलाई चला लेंगे अस्तर को रख के। हमें इसे टर्न करना है तो आप एक बार ज़रूर इसको देख लें कि आप किधर से अटैच कर रहे हैं। ये जो हमारे गले की डिज़ाइन है, हम पहले इसको सिल ले रहे हैं। ये देखिए, हमने यहाँ पे चारों तरफ से अटैच करने के बाद हम इस पर कट लगा लेंगे। हम इसे चारों तरफ से हल्का हल्का कट लगा लेंगे। फिर हम इसमें से इसको टर्न करेंगे। ये हमने टर्न कर दिया है, आप देख सकते हैं इसकी फिनिशिंग अच्छी आई है। टर्न करने के बाद आप ऊपर से एक सिलाई और चला लीजिए। और सिलाई ध्यान दीजिएगा कि एकदम किनारे पर हो। ये हमने ऊपर से सिलाई चला ली है, अब हम चारों तरफ से अस्तर को अटैच करेंगे। ये हमने चारों तरफ से अटैच कर लिया है अस्तर को। अब हम पहले इसमें कंधा ज्वाइन करेंगे आगे का पल्ला लगा करके।
ये हमारा कंधा जॉइंट हो चुका है। अभी हम पीछे वाले पल्ले में प्लेट देंगे कम से कम 4 इंच का। हम कॉलर के लिए पहले यहाँ पे कॉलर के लिए पहले मेजरमेंट ले लेंगे। आगे से 2 इंच लेंगे, इस बगल से भी हम 2 इंच नाप लेंगे, फिर हम पूरे कॉलर का नाप लेंगे। 13 इंच पे आ रहा है हमारा आगे से पीछे तक, जहाँ तक हमको कॉलर लगाना है। उसके बाद हम एक कपड़ा लेंगे, उसको डबल फोल्ड करेंगे 13 इंच पे। फिर हम एक कपड़ा यहाँ नीचे ये भी 13 इंच का जोड़ेंगे इस पर। ये हमारा कॉलर है, हम इसके ऊपर रखेंगे इसको। फिर हम इसे जॉइंट करेंगे। थोड़ा सा हम इसे राउंड घुमाएंगे। आप चाहें तो पहले भी मार्किंग कर सकते हैं राउंड की। फिर हम इधर से भी हल्का सा राउंड कर देंगे, घुमा देंगे। फिर हम इसे ऐसे टर्न कर देंगे। हम इसे ऐसे टर्न कर लेंगे, ये देखिए। ये देखिए हमारा कॉलर ऐसे टर्न हो गया। उसके बाद हम अपने कॉलर पे ऊपर से भी एक सिलाई किनारे से चला लेंगे ताकि अच्छे से बैठ जाए।